नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर मजिस्ट्रेट चेकिंग में की चालानी कार्यवाही की गई। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और CJM ने स्वयं उपस्थित रहकर लगभग 10 JMFC मजिस्ट्रेट और यातायात पुलिस से ये चालानी कार्रवाई कराई। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप देखने को मिला। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश PC गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल के साथ मिलकर ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए फूलबाग और थाना सरोल क्षेत्र में न्यू कलेक्ट्रेट के पास नियमों को उल्लंघन करने वाले चार पहिया वाहनों की चेकिंग के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाकर कार्रवाई की गई। न्यायालय और ग्वालियर पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही के दौरान कार्रवाई का पहला दिन होने की वजह से जागरूकता अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों की दस्तावेज में थोड़ी कमी है उन्हें समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन आगे की कार्यवाही अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक को छोड़ा नहीं जाएगा। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान ऐसे चार पहिया वाहन चालक जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं थे या गाड़ी में हूटर लगा हुआ था या काली फिल्म चढ़ी हुई थी, उन वाहनों के खिलाफ और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालक जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे उन्हें भविष्य के लिए समझाइश दी गई। आज केवल चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। आने वाले दिनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान सभी प्रकार के वाहनों जिसमें दो पहिया, चार पहिया, स्कूल बस, ऑटो, विक्रम आदि की चेकिंग की जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों द्वारा बहाने भी बनाए गए, लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग को देखते हुए उन्होंने चुपचाप जुर्माना भर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक साथियों के साथ यातायात व्यवस्था के सुचारूकरण और अवैध रूप से चल रहे वाहनों की रोकथाम के लिए आज मोबाइल कोड लगाए हुए हैं और ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि शहर में बगैर भय के वातावरण के यातायात व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति या चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वाहन बीमित नहीं है, ऊट पटांग नंबर लगाए हुए हैं, तो प्रयास ये है कि जन सामान्य के सहयोग से इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। यातायात नियमों का पालन करना न केवल चालक के लिए अपितु रोड पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, जिसमें मीडिया का भरपूर सहयोग अपेक्षित है और यदि मीडिया इसमें सहयोग देती है तो निश्चित है कि हमारा पुलिस प्रशासन अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य को निर्भीकता से कर सकेगा और यातायात के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करा सकेगा। थैंक यू वेरी मच। हर पर डे एक नया स्थान चूज किया जाएगा और ये होगा। चालान जो नियमों का वायोलेशन है उसके अनुसार वसूली होती है, तो वसूली नहीं होती है, उस पर फाइन किया जाता है, वो नियमों के अनुसार होता है। आज तो कई सारे चीज़ों में समझाइश देके लगाया भी जा रहा है। ये सबको निर्देश दिए गए हैं कि एकदम सख्ती नहीं करना है, पहले सुधारात्मक और जब सुधार का कोई असर नजर ना आए तो फिर दंडात्मक। सर, काली फिल्म लगा के घूम रहे हैं लोग अभी। बिल्कुल, वो काली फिल्म हटवाई जाएंगी, बिल्कुल प्रत्येक वाहन से काली फिल्म हटवाई जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो। ये जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ग्वालियर ट्रैफिक का जो एक इशू है काफ़ी बड़ा मुद्दा है और आज हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने खुद ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और वो खुद भी मौके पे आए, CGM साहब मौके पे हैं और उनके साथ 8-10 JMFC महोदय भी है। आज ये पूरी मजिस्ट्रेट चेकिंग लगी है, इसमें हमने दो तरह की कार्रवाई हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन की जो बातें थी उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और जो छोटी मोटी ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन कर रहे थे उनको बड़ा समझाइश देके आज हमने यहाँ से जाने दिया है। सिर्फ 4-व्हीलर को टारगेट किया था और जिनके पास नंबर प्लेट गलत तरीके से है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ उन्हीं के चालान बने हैं और या फिर जिसको अधिकार नहीं है और उसने होटल लगा रखा है या फिर ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी है या फिर कोई अपनी रैंक लगा रखी है, उन्हीं आदमियों को आज टारगेट किया है। ये पूरे महीने भर तक चलने वाली प्रक्रिया है। उम्मीद है जिस तरीके की मजिस्ट्रेट चेकिंग आज यहाँ हुई है तो उस हिसाब से हम ना केवल जो ट्रैफिक रूल के वायलेशन करने वाले हैं
उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज देंगे, बल्कि जो ग्वालियर की जनता है उनमें एक ट्रैफिक सेंस जो डेवलप होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो एक ट्रैफिक के इशू है इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। जो नाम प्लेट वाली है, ग्रामर लिखा है या बैग लिखा है, उससे कुछ अलग से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, आज ये मैंने जैसा बताया कि ये हमारी पुलिस की चेकिंग नहीं है और ये पूरी की पूरी जो मजिस्ट्रेट चेकिंग है, खुद CGM साहब अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम जो भी कोई बिंदु था, जो भी गाड़ी रोकी गई है वो JMFC महोदय के आदेश से रोकी गई है और जो भी कार्रवाई हुई है सिर्फ उनके आदेश के अनुसार हुई है। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। आज जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं उनको हेल्प कर रही है, पुलिस का उसमें कोई कंसर्न नहीं है। सर, अभी एक वकील साहब भी आए थे, बंपर को लेकर विवाद हुआ था, उन्होंने कहा कौन वकील साहब हैं, क्या उनका इशू है, उस चीज़ को देखा जाएगा। अगर कोई सरकारी व्यक्ति की भी गाड़ी अगर उसमें किसी बात को लेकर इशू है, अगर नियम कायदे कानून से नहीं है तो उनका भी चालान बनना चाहिए। अगर मैं भी हूँ तो मैं भी अपना चालान अदा करूँगा।